नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार में। हमारे एक व्यूअर्स हैं संदीप बोनी, इन्होंने कमेंट किया है कि सर हमें सिविल रूलर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कल एडमिशन लेने जाना है, प्लीज़ हेल्प सर। कुछ बताइए सिविल वर्सेस सिविल रूलर इंजीनियरिंग। तो देखो, आप खुद डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सिविल मतलब जो भी वर्क्स हमारे होते हैं कंस्ट्रक्शंस के, ये सभी चीज़ें, और रूलर मतलब ग्रामीण, है ना। तो देखो, अगर आप बात करोगे सिविल वर्सेस सिविल रूलर की, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है पहले वो बात करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है किस चीज़ के लिए। तो देखो, अगर तुम बात करोगे सिविल और सिविल रूलर की, तो कुछ वैसे जॉब्स हैं जिसमें सिविल वाले जा सकते हैं, सिविल रूलर वाले नहीं, और कुछ ऐसे भी जॉब्स हैं जिसमें सिविल रूलर वाले जा सकते हैं, सिविल वाले नहीं। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है और हर किसी को ये चीज़ें होती है, बट नॉर्मल तौर पे अगर आप देखो तो दोनों ही सेम है, दोनों का सब्जेक्ट भी सेम होता है। फाइनल ईयर में एक पेपर आपको अलग देखने को मिलेगा, बाकी ऑल टू ऑल सेम है। यानी चाहे आप सिविल रखो चाहे सिविल रूलर रखो, दोनों ही कंडीशंस में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे यहाँ तक कि अगर आपका सिविल रूलर है, तो अगर आप जेई वगैरह का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको एक प्रिविलेज मिलेगा। क्या प्रिविलेज मिलेगा? कि उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जो कि आपको सिविल वाला में नहीं पढ़ना है। बिहार के जितने भी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें नहीं पढ़ने हैं, बट सिविल रूलर वाले के सब्जेक्ट में वो पढ़नी है। जो 2016 में सब्जेक्ट चेंज हुआ था, उसके अनुसार माइक्रो इरिगेशन एक टर्म्स थी जिसे से रिलेटेड एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में अच्छा खासा क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ओके। बट वो पेपर सिविल वालों को नहीं पढ़ना था, तो वो लोग बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, बट आप तो अपने सेमेस्टर के दौरान ही पढ़ लोगे। ये है, जॉब लगभग सेम है, थोड़ी मोड़ी चेंजेस है, जैसे डीएमआरसी में सिविल रूलर वाले नहीं जा सकते हैं, और एक आध दो जॉब्स हैं जहाँ तक मुझे पता है, है ना। मैक्सिमम सभी में आप अप्लाई कर सकते हो और आपको सेम चीज़ें पढ़नी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और बिहार में सिर्फ एक ही कॉलेज है सिविल रूलर इंजीनियरिंग को लेकर, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज है। उसके अलावा और आपको सिविल रूलर ब्रांच कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, है ना, कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। फ़ी के बारे में बात किया जाए तो फ़ी दोनों का लगभग सेम ही है, कोई चेंजेस आपको है ना, क्योंकि सारा पॉलिटेक्निक कॉलेज तो गवर्नमेंट है, तो आपका सारा सेम ही होने वाला है। कई सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन्स है, इसलिए मैंने ये जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि सिविल और सिविल रूलर दोनों सेम है, दोनों को सेम पढ़ना है, बस डिफरेंस आपका यही है कि जो सिविल रूलर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, ये एक स्पेशल प्रोग्राम लाई है सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, जिसके थ्रू सिविल रूलर वालों को एक स्पेशल पेपर पढ़ाया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि अपने कंट्री में या अपने स्टेट में रूलर एरिया को किस तरीके से डेवलप किया जाए। कई बार क्या होता है कि एक अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, उसके अंतर्गत अगर फॉर्म आती है कि आपको रूरल एरिया को डेवलप करवाने हैं हमें, तो उसके लिए जॉब्स आते हैं, रिक्रूटमेंट्स आते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल रूलर वाले ही जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास डिग्री है,
स्पेशल कोर्स के लिए डिग्री है कि भाई वो सिविल रूलर चूज किए हैं और वो उसी के लिए ज़्यादा पढ़ाई किए हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट कीजिएगा। मैं यही कहूँगा कि अगर आप सिविल रूलर के साथ वर्क करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिविल लेना चाहिए, तो आप बेहिचक अपग्रेड करवा कर आप अपने कॉलेज को या ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। आई होप मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।